के ज्ञान में अवकल गणित या भौतिक गणित, जिसे हम भौतिक गणित कहते हैं, एक पाठ है जिसमें गणित से संबंधित कुछ सूत्र दिए गए हैं। अवकल गणित किसे कहते हैं या अवकल गुणांक किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए। y एक परिवर्ती राशि x का फलन होता है। जब हम y बराबर f ऑफ x लिखते हैं, ध्यान दीजिए y एक राशि है, x दूसरी राशि है, x में चर राशि होता है। तो y एक परिवर्ती राशि x का फलन है, अर्थात y का मान x पर निर्भर करता है। y बराबर fx लिखा है तो y का मान किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है। अगर हम x का मान 5 लिखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा, x का मान 2 लिखेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा। प्रत्येक स्थितियों में y का मान x पर निर्भर करता है। इसी को हम अवकल गणित में कैसे दर्शाते हैं, अवकल गणित में dy by dx लिखा जाता है। y को क्या लिखते हैं, dy by dx को फलन y का राशि x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। तो हम जो है इस संकेतांक का प्रयोग करते हैं, d बटे ds को अवकल गुणांक कहते हैं। ध्यान देंगे d बटे ds ये आपका अवकल गुणांक कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है। तो वैसे y by fx लिखा है, जब हम इसका अवकलन करेंगे dy by dx लिखा जाएगा। तो कुछ राशियां हैं जिनके अवकल गुणांक कैसे ज्ञात होंगे, तो सूत्र पर आधारित है। तो सूत्रों को ध्यान देंगे, सूत्र क्या है, जैसे d बटे dx x पावर n है, इसे n x पावर n माइनस 1, x क्या है, चर राशि है। इस राशि की घात अगर n है तो घात को पहले लिख करके राशि के ऊपर घात में से घटा देते हैं, पहला सूत्र है। दूसरा है, अगर x चर राशि नहीं है, कोई अचर राशि है, d बटे dx c लिखा है तो c इसका मान 0 हो जाता है। किसी अचर राशि का अवकल गुणांक क्या होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार d बटे dx कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, जैसे d बटे dx sin x है, sin x का cos x अवकल गुणांक हो जाता है। ध्यान देंगे d बटे dx sin है, तो sin x का x के सापेक्ष अवकल अवकलन करेंगे, इसका मान cos x आएगा। d बटे dx अगर cos x है, इसका मान माइनस साइन एक्स हो जाता है। ध्यान देना है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। इसी प्रकार है डी बटे डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। डी बटे डी एक्स सेक एक्स है, सेक एक्स है, इसे सेक एक्स tan x लिखते हैं। तो d बटे dx cot x है, इसे लिखा जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, या d बटे dx cosec x है, cosec x है, इसे लिखते हैं cosec x into cot x। ऐसे ही किताब में अवकल अवकल गुणांक पर आधारित सूत्र लिखे गए हैं। आगे जैसे है d बटे dx log x, log x है 1 बटे x होता है, log x का अवकल गुणांक क्या होता है, 1 बटे x। d बटे dx 1 पावर x है, इसे लिखेंगे 1 पावर x log 1 बेस e। अब हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, उदाहरण को ध्यान से देखेंगे। उदाहरण में जैसे है y बराबर, उदाहरण देखिए 10 सूत्र लिखे गए हैं, 10 सूत्र का उदाहरण है। जैसे y बराबर लिखा गया है, y बराबर 4x घात 5 है, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न है y बराबर 4x घात 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा जाएगा d बटे dx बराबर 4 d बटे dx x घात 5,
इसे लिखेंगे 4 इंटू अभी सूत्र बताया गया डी बटे डी एक्स एक्स पावर एन ब्रायन एक्स पावर एन माइनस वन के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एक्स पावर 5 माइनस वन के, यह आ जाएगा 5 20 20 एक्स पावर 4 के। इसी प्रकार हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं इनको घर पर स्वयं करेंगे। जैसे y बराबर है 6x8, y बराबर है 5 बटे x3, c है y बराबर है 2 बटे 4x5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे 5 बटे x3 है तो इसे लिखा जाएगा 5x-3 के, और इनको भी ऐसे ही प्रश्न हम करेंगे जैसा ऊपर बताया गया है। जैसे एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जैसे यह है बटे में अगर है y बराबर 5 बटे, मान लीजिए 3x3 है, इनको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम इसे लिख लेंगे 5 बटे 3x-3। तो dy/dx के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो ये dy/dx बराबर 5/3 और d/dx x^-3। अब इसे जब हम x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो ध्यान दीजिए d/dx x^n बराबर है n x^n-1 के, लिखा जाएगा 5/3 ब्रैकेट -3 x^-3-1 अर्थात 5/3, यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका -5 यह घात -4 के, यह -5/4 के। इसी प्रकार से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे। अवकलन के अगर सूत्र याद हैं उन सूत्रों को सीधे प्रश्न आने पर सूत्र की सहायता से प्रश्न का अवकलन आसानी से किया जाता है। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में हम आप पढ़ेंगे।